लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। आज 9 अगस्त क्रांति दिन है और आज से ही नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीपा पाटिल जी का नाम दिलाने के लिए प्रकल्पकर्ताओं ने अपना आंदोलन शुरू किया है। मशाल मोर्चा उसको नाम दिया गया है। जिस तरह से आज़ादी से पहले अंग्रेजों चले जाओ का नारा दिया गया था, इसी तरह से इस बार हुकुमशाही चले जाओ, तानाशाही चले जाओ और दबंगई चले जाओ, इसका नारा देते हुए प्रकल्प बसों ने आज आंदोलन की शुरुआत कर दी है। गांव गांव में मशाल जल रही है ताकि प्रेरित किया जा सके और इस हुकुमशाही के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा सके। इस वक्त इस आंदोलन के कोर कमेटी के मेम्बर दशरथ भगत साहब हमारे साथ हैं। भगत साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया था तकरीबन खत्म होने वाला है, ऐसे में आज से नई क्रांति की शुरुआत हुई है, नई क्रांति क्या है? नई क्रांति यही है कि जो स्थानिक लोकाधिकार होता है, भारतीय राज्य घटने ने, संविधान ने मूलभूत हक, जो मूलभूत हक होता है वो मूलभूत हक दे दिया है जो स्थानिक लोगों को उसका अस्तित्व बचाने के लिए। और वो अस्तित्व, वो नई मुंबई का भूमिपुत्र हो या चार जिला का भूमिपुत्र हो, राज्य का हो, देश का हो, हर जगह जो क्षेत्र है वो हर जगह क्षेत्र का जो स्थानिक लोगों का मूलभूत जो फंडामेंटल राइट्स बोलता है वो फंडामेंटल राइट्स है। और वो राइट के लिए आज नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को दीपा पाटिल साहब का नाम देना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे पहचान है, वो हमारा अस्तित्व की पहचान है। और इसीलिए 10 तारीख को वहाँ मानवी साखली, फिर 24 जून को सिड़कों घेरा, वो लाखों की तादाद में वहाँ मोर्चा हो गया, आंदोलन हो चुका है। और उस आंदोलन में उस आंदोलन में 15 अगस्त ये डेडलाइन दे चुके हैं कि 15 अगस्त तक गवर्नमेंट ने वहाँ घोषित करना चाहिए दीपा पाटिल साहब का नाम, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है क्योंकि 16 तारीख को विमानतल का काम बंद करना है। तो इसीलिए आज का जो दिन है 9 अगस्त क्रांति दिन, जिस तरह से अंग्रेज चले जाओ का नारा दिया था, वही आज दबंगगिरी, तानाशाही, दमनशाही, दरबशाही चले जाओ, दरबशाही चले जाओ का आज से नारा चालू हो गया। जो गांव गांव के जो लोग हैं, वहाँ के जो भूमिपुत्र है, फिर भूमिपुत्र इस सिटी का, इस गांव का, इस जिला का हो, इस तालुका का हो, सिटी का हो या राज्य का भूमिपुत्र का हो, देश का भूमिपुत्र हो, उनको हम तो जागृत हो चुके हैं, हम उनको भी जागृत कर रहे हैं कि आपका भी अस्तित्व की पहचान जिंदा रहना चाहिए। आपका वो मूलभूत हक है, वो मूलभूत हक लेने का जो निर्णय है डीजे, उसका स्वतंत्र है, उसका स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन यह जो दमन से तानाशाही हम करने नहीं देंगे। इसीलिए जो अंधार है, अंधेरा है, ये जो तानाशाही का अंधेरा है, अंधेरे चीरने के लिए मशाल मार्च का आयोजन गाँव गाँव किया है। आज जब दीपा पाटिल साहब के गाँव से इस मशाल को प्रज्वलित किया गया, उस वक्त आप लोग साक्षी रहे, आप उस वक्त मौजूद रहे, किस तरह की भावना थी आज प्रकल्प ग्रस्तों की जब मशाल प्रज्वलित हुई अपने हक और अधिकार के लिए, अपने पहचान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए? जब 10 तारीख को मानवी साखली हो चुकी थी तभी हम ज्वाइन हो गए, लेकिन 24 तारीख से हमारा लोगों का, भूमिपुत्र का गुस्सा बढ़ना चालू हो गया। आज से हमारा जो कोई क्रोध है, हम अभी भी शांति थे, लेकिन वो जो एक प्रेरणा स्थल है दीपा पाटिल साहब का, प्रेरणा स्थल एक संघर्ष भूमि, वहाँ जो मुख्य मशाल प्रज्वलित किया, एक खुशी, और हम भी त्याग क्यों नहीं कर सकते। और वो मशाल जब प्रज्वलित हो गई दीपा पाटिल साहब के स्मारक के, या जहाँ हमारे भूमिपुत्र ने बलिदान दिया है, वो स्मारक के पास वो प्रज्वलित किया, तो हम सोच रहे गवर्नमेंट को क्या चाहिए, जब हमारा ही इस स्वतंत्रता में, इस लोकशाही में और इस स्वराज्य में, जब जो स्थानिक लोकाधिकार होता है, जो भूमिपुत्र का जो अस्तित्व के लिए, उनको वो अस्तित्व की पहचान जिंदा रखने के लिए जब गवर्नमेंट को खून चाहिए, तो खून ले लो ना, आपको शहीद चाहिए तो शहीद ले लो। तो ये भावना वहाँ से प्रज्वलित हो चुकी है। आज जैसे कि आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया था, 24 जून का जो विशाल आंदोलन हुआ था, उसमें कहा गया था कि उम्मीद की गई थी कि 15 अगस्त का अगर अल्टीमेटम दिया गया है तो उम्मीद है कि जल्दी ही सरकार उस पर कोई निर्णय करेगी, या सिडको नया प्रस्ताव बनाने के लिए जो आपको वादा किया गया था,
वो वादा आखिर क्यों नहीं पूरा हो रहा है, क्या लग रहा है, क्या कारण है कि एक नाम फलक लगाने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है? जो सिडको के पास आई क्या, जब उनका जब उसने जो ठहराव हो गया होगा, वो ठहराव उसने मंजूर किया होगा, तो वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं, ये सवाल नई मुंबई ने पूरा देश की जनता का आ रहा है। वो ठहराव को किस कानून से बना है, वो कौन सा राज्य घटना, देश संविधान हो या राज्य की घटना हो या स्थानिक स्वराज्य संस्था, क्योंकि सिडको कंपनी है, उस बारे में विस्तार से बोल चुका हूँ मैं। लेकिन सरकार पे को हमारा भरोसा है, लेकिन सरकार में जो कई जो नेतृत्व है वो नेतृत्व पे हमारा भरोसा नहीं, इसीलिए ये जो मशाल मार्च है, ये मशाल मार्च यहाँ से चालू किया है, दोबारा आंदोलन चालू हो चुका है। आपको लगता है कि अब ये नई क्रांति की शुरुआत है एक तरह से सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार ने जो वादा किया था कि हम निश्चित तौर पर उसे पुनर्विचार करेंगे, सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना तो कोई इसका संकेत मिल रहा है कि कोई निर्णय आया है या कोई प्रस्ताव बदला गया है या कुछ पुनर्प्रस्ताव कुछ किया गया। आपको लगता है कि अब इस मशाल मोर्चे से जो आप अंधेरे से जगाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को, सरकार जागेगी और 15 अगस्त से पहले कोई निर्णय लेगी? बात सुनो कि हर कानून और पब्लिक जो किसान हो या जो अफेक्टेड पर्सन हो, उनके लिए जो कानून बनाए वो खून से कानून बनाए, संघर्ष से बनाए। अभी से नहीं बोलो, जब से कानून की निर्माण है, वो निर्माण खून के कलम से बनी है, इसीलिए आंदोलन में ही कानून बनता है। जब तक देवा पाटिल साहब का नाम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को जब तक देते नहीं, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। और ये जो दिवा पाटिल साहब का नाम, इसका मतलब ये है कि भूमिपुत्रों का जो अस्तित्व की पहचान, फिर ये चार डिस्ट्रिक्ट हो, महाराष्ट्र हो या देश का भूमिपुत्र हो, उनकी हम तो जागृत हो चुके हैं। अभी देश का और राज्य का भूमिपुत्र भी जाग चुका है, और उसके लिए कानून बनेगा, कानून उसके लिए, और कानून बनाने के लिए वो नाम देने के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे, उस समय गवर्नमेंट को जो करना है करना है। अब 16 तारीख बिल्कुल नज़दीक आ गई है, जैसा कि आप लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर 15 से पहले, स्वाधीनता दिवस से पहले अगर नामकरण प्रस्ताव नहीं बनता है या सरकार निर्णय नहीं लेती है, तो 16 तारीख को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य रोकेंगे। अभी हाल ही में इस आंदोलन के बीच में ही उसका भूमि पूजन दोबारा हुआ है, अदानी ने भूमि पूजन किया। आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्या वाकई अब 16 को आंदोलन का ही रास्ता आखिरी बचा हुआ है? आखिरी बचाया उन्होंने, सरकार ने हमें मजबूर किया है अभी कि जाके अभी आप एयरपोर्ट बंद करो, एयरपोर्ट का काम बंद करो। हमें खुशी नहीं है, हमें शांति चाहिए और हमारा हक चाहिए, जो हमें संविधान ने मूलभूत हक फंडामेंटल राइट्स दे चुका है, स्थानिक अस्तित्व की पहचान जिंदा रखने के लिए। जब सरकार की जब इच्छा है कि आप जाके काम बंद करो, तो ये हमारा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। और सरकार को अभी जितना गोली है ना, वो गोली उनको मारना है ना, भी मार लो, अभी हम तैयार है उसके लिए। पहले 5 ले लिया, अभी 50 चाहिए तो 50 खड़ा रहेंगे। अभी साथ में कहा आप बोले, जो गोले है ना वो भर के रखो आप गोले, और तभी हमें पता चलेगा कि ये अंग्रेजों ने गोली मारा। हम समझ चुके थे कि वो बाहर के थे, हमारा आज़ादी नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी, स्वराज्य नहीं था, लोकशाही भी नहीं थी, लेकिन हमारे भी लोकशाही में, हमारे स्वराज्य में और हमारे स्वतंत्र जो 15 अगस्त अभी आ रहा है, उसका उत्सव मना रहे हम, स्वतंत्रता का उत्सव हम तो मनाएंगे, जोर जोर से मनाएंगे। लेकिन इस स्वतंत्रता में, इस स्वराज्य में और इस लोकशाही में जब सरकार की इच्छा है कि वहाँ खून की नदी बहे, वहाँ शहीद हो, वहाँ बलिदान देने की गवर्नमेंट की इच्छा है, तो गवर्नमेंट की इच्छा है कि आप काम बंद करने थी, गवर्नमेंट की इच्छा होती, लोगों का आदर करते जन भावना जो क्रोधित हो चुका है, वो क्रोधित जन भावना का उन्होंने आदर नहीं किया, और उसने वो आदर इसीलिए नहीं किया, ऐसा हमें लग रहा है। आप जाके कहा एयरपोर्ट बंद करो, हम गोली मारेंगे, भाई आपका जितना गोली है उतने लेके आइए, और पूरा जो महाराष्ट्र देश और पूरा दुनिया को मालूम पड़े कि इस स्वतंत्रता में, इस लोकशाही में और इस स्वराज्य में एक वहाँ का भूमिपुत्र क्या मांग रहा है, वो उसकी पहचान मांग रहा है, वो उसका अस्तित्व मांग रहा है और कुछ नहीं मांग रहा है वो, और उस अस्तित्व के लिए उसको बलिदान देने के लिए आप उसको तैयार कर रहे हैं।
ये कौन सा कानून का, ये कौन सा स्वतंत्रता है, ये कौन सा स्वराज्य है, ये कौन सी लोकशाही है, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? यहाँ तादाद में आके यहाँ टिका ये नहीं होना चाहिए। यदि पुलिस बिठाए, यहाँ पुलिस हमारे भाई है, उनका क्या विचार है, क्या है सरकार क्या चाहता है? मैं तो सरकार ने बोलना चाहिए ना कि हमें इतना शहीद चाहिए, इतना खून चाहिए, बोलो आके। हम तो बोलते हैं कि आप सरकार को ये पूछो कि आपने जो ठहराव किया है वो ठहराव किस कानून से किए है, वो पब्लिक डोमेन है, पब्लिक डोमेन लेके आइए। सर आप आखिर में क्या संदेश आज देना चाहते हैं, चूंकि अभी एक हफ्ते का समय बचा है और आखिरी अल्टीमेटम का समय खत्म हो रहा है। हम यही हमें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम संदेश गवर्नमेंट को संदेश दे रहे हैं कि जो स्थानिक अस्तित्व जिंदा रहना, जीवित रहने के लिए आप देवा पाटिल साहब का नाम दीजिए, ये स्वतंत्रता बचाइए, स्वराज्य बचाइए और लोकशाही बचाइए, ये मेरा संदेश है। बहुत बहुत थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा कि अब प्रकल्पग्रस्त इस मूड में आ गए हैं कि अगर नवीनबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीवा पाटिल साहब का नाम नहीं दिया जाता है तो उनके लिए अपना बलिदान भी करने के लिए तैयार हैं, इस तरह की मानसिकता तैयार हो गई है। और जाहिर सी बात है कि ऐसे में सरकार के लिए और सिटको के लिए मुश्किल भरे दिन होंगे, क्योंकि अगर ये 15 अगस्त तक ये निर्णय नहीं लिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि 16 अगस्त के बाद एयरपोर्ट निर्माण का काम रुकेगा और स्थितियाँ और भी नाजुक होंगी। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई।